पलामू में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राजकीय पशु चिकित्सालय हाथी का दांत साबित हो रहा है। पशु पालकों को अस्पताल का लाभ नहीं मिल रहा है। चिकित्सक पशुपालक मोटी रकम खर्च कर झोला छाप डॉक्टर से पशुओं का इलाज करवाते हैं। रिपोर्ट देखें। पलामू जिले के मेदिनी नगर में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की भारी कमी है। पशुपालक जब बीमार पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल को सूचना देते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। कहीं भी हम लोग बीमार पड़ने के बाद दवा इलाज करने के लिए कोई सुविधा हॉस्पिटल का नहीं है। प्राइवेट कंपाउंडर मान के चलिए उसको, प्राइवेट वो आके इलाज करता है, हजारों 500 रुपया तहसील के जाता है। पशुपालकों को जब सरकारी पशु चिकित्सालय से कोई लाभ नहीं मिल पाता तो आनंद फानंद वो गांव के झोला छाप डॉक्टरों को करते हैं, जो उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर उनके पशुओं का इलाज करते हैं। मगर सरकारी अस्पताल की ये स्थिति है कि वहाँ पशुओं के लिए दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। विभाग अपने आप में मरा विभाग है, केवल सरकार का बजट बनता है और बजट कहाँ जा रहा है इसका कोई लेखा जोखा मेरे समझ से नहीं है। उधर मेदिनी नगर राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि दो पद चिकित्सक के लिए है, जिसमें एक चिकित्सक ही है और सरकारी स्तर पर दवाइयाँ भी कम आती हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों को नहीं मिल पाती। मेदिनी नगर में दो डॉक्टर का पद सृजित है, एक डॉक्टर कार्यरत है, एक पद रिक्त है। जो सरकार दवा देती है वो उपलब्ध कराई जाती है, बहुत ज़्यादा दवा नहीं देती है, 5-10 दवा सरकार के द्वारा दी जाती है, वहीं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दवा की जो ज़रूरत होती है पशुपालक को वो एडवाइस किया जाता है, वो बाहर से खरीद करके अपने इधर। पशुपालकों के उत्थान के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से जमीनी स्तर पर उसका लाभ पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।